अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा एक हिंदू पंडित जी ने हमारे इस्लाम धर्म और होली कुरान के बारे में क्या कहा। और मैं हिंदू भाइयों को भी गुजारिश करूंगा कि आप लोगों का जो होली बुक है आप उसे पढ़िए और उसे समझने की कोशिश कीजिए और हमारे कुरान के बारे में भी ज़रूर पता कीजिए। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। हमारे आरएसएस के भाई कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग भी कहते हैं कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति, हर इंसान हिंदू है, लेकिन इसकी कोई दलील नहीं है। यह भी अटकलबाजी है, मनमानी अटकलबाजी है, जो चाह सो बोल दिया। क्या दलील है इसकी भाई कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है? लेकिन इस बात की दलील है कि एक ईश्वर की पूजा करने वाला हर हिंदू मुसलमान है। माशाल्लाह, इस्लाम की बुनियाद है ला इलाह इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। और यही बुनियाद सनातन वैदिक धर्म की है। संसार के सबसे पुराने ईश ग्रंथ ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्पर हवा महे जनेभ्या अस्माकम अस्तु केवल। ऐ मनुष्यो, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ एक परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि पूजा करने योग्य एक मुझ परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा देव नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, पूजा करने योग्य मुझ परमेश्वर से के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। इस्लाम गुस्सा करने का मजहब नहीं है, इस्लाम लड़ाई करने का मजहब नहीं है, इस्लाम जबरदस्ती करने का मजहब नहीं है, इस्लाम बदला लेने का मजहब नहीं है, इस्लाम शांति का मजहब है, दया का मजहब है, माफी का मजहब है, इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। इस देश में जिसने अहिंसा को पकड़ा वो जीत गया। कुरान में भी अहिंसा मौजूद है। अहिंसा का मतलब मन वचन कर्म से अहिंसा, नॉन वायलेंस। मन वचन कर्म से अहिंसा का मतलब है कि किसी को किसी भी तरीके का कष्ट पहुंचाने के लिए सोचो भी नहीं, ये मन से है। कोई ऐसी बात मुंह से बोलो नहीं कि उसको कष्ट पहुंचे, ये वचन से है। और कर्म से कोई ऐसा काम न करो जिससे उसको कोई कष्ट पहुंचे, ये मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा है। और ये मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान मजीद के सूरा नंबर 28 आयत नंबर 83 में है, अल्लाह का वादा है, अल्लाह वादा कर रहा है कि हम परलोक का घर यानी जन्नत का घर उन लोगों के लिए विशेष कर देंगे, खास तौर से देंगे, जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते। कितना अच्छा, यानी जो मन में सोचते तक नहीं है उनको हम जन्नत का घर विशेष कर देंगे, अल्लाह का वादा है। यह है मन से अहिंसा, वचन से। कुरान मजीद के सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34 में दिया हुआ है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। यानी अगर कोई व्यक्ति आपसे सख्त तरीके से बात कर रहा है, गाली दे रहा है, तो आपको गाली नहीं देना, कुरान का हुक्म है। आपको सख्त तरीके से बात नहीं करनी, आपको ऐसे तरीके से बात करनी है कि उसका दिल जीत लो। इस्लाम दिल जीतने का मजा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ये वचन से हिंसा और कर्म से सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में है, जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल किया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया तो मानो उसने सारे इंसानों को जीवन दे दिया, जान डाल दी, सारे इंसानों में जीवन डाल दी। यह कर्म से हिंसा, यही है इस्लाम की मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा। और अगर इस अहिंसा को अपनाया गया होता तो आज इस देश का की हालत दूसरी होती, इस अहिंसा की तरफ देखा भी नहीं गया। और वो हिकमत मौजूद है कुरान मजीद में, वो हिकमत मौजूद है, अल्लाह की हिकमत है। वो अल्लाह की हिकमत कहां है? सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में है कि आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है कि हम परमेश्वर के सिवा, ईश्वर के सिवा किसी की बंदगी न करें। यह अल्लाह की हुकूमत है। इस प्लेटफार्म को अगर पकड़ा गया होता तो हम कामयाब हो चुके होते। तो दोस्तों, आपने देखा उन्होंने किस तरीके से, कितनी अच्छी तरह से समझाया। तो मुझे एक ही बात कहना है,
तो भाई आप किसी भी धर्म से हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, और सबके धर्म अपने अपने हिसाब से सही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं धर्म के नाम पर दंगे फसाद मारपीट कुछ भी करवाते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है ना। अगर आप अपने धर्म को मानते हो तो उसका मतलब समझो और उसके हिसाब से चलो, उसे मान के चलो, और किसी के धर्म को नीचा मत दिखाओ। और कोई भी धर्म आपको ये नहीं सिखाते हैं कि आप दूसरे धर्म को गाली दो। तो भाई मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, भूलना नहीं है भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। आपके मन में अगर कुछ है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद।